Hello everyone, welcome in Mechanical Engineering Department of 5th Semester Power Plant Engineering as a elective Unit 1 Introduction to Hydro, Gas, Diesel Power Plant of Topic 5th Layouts of Diesel Power Plant Lecture Number 5 Prepared by Mrs. Amruta Mulle, Lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content: Different layouts of diesel power plant. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to identify the arrangements in diesel power plant. Explain the construction of different layouts of diesel power plant. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. Now, overview of last session. तो अभी हम देखते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा. इज दैट इंट्रोडक्शन टू डीजल पावर प्लांट, एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस इन डीजल पावर प्लांट, दैट्स कन्वर्ट्स ऑफ फ्यूल ऑफ डीजल, कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एयर मिक्सिंग विद इंजन एंड जनरेट mechanical energy inside engine, and this mechanical energy gets converted into electrical energy by use of generator. Different systems in diesel power plant. So the question is, what is diesel power plant? Think, revise last lecture. Is that diesel power? So start the diesel power plant. Diesel power plant is a generating system in which diesel engine is used as the prime mover for the generation of electrical energy, is known as diesel power station. Iska ye matlab hai ki diesel power plant एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसमें डीजल इंजन का हम यूज करेंगे एज ए प्राइम मूवर. किसके लिए यूज करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. दैट्स कॉल्ड एज ए डीजल पावर स्टेशन और डीजल पावर प्लांट. आइए इसी कंसेप्ट को हम डायग्रामेटिक समझते हैं कि डीजल पावर प्लांट ये एक यूनिट है जिसमें इंजन यूज होगा, सिर्फ डीजल इंजन यूज होगा. ये डीजल इंजन टू स्ट्रोक भी हो सकता है और फोर स्ट्रोक भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ प्लांट. देन फ्यूल एज ए डीजल हम इंजन में सप्लाई करेंगे, वैसे ही एयर की भी रिक्वायरमेंट होती है इंजन में. इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस होगा. इस पावर स्ट्रोक के वजह से क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा. इस क्रैंक शाफ्ट से जनरेटर का शाफ्ट कपल रहेगा, तो दोनों साथ में रोटेट होना स्टार्ट होगे और इस बीच में जनरेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा जिसका एज ए इलेक्ट्रिसिटी मॉडिफाई करके हम यूज कर सकते हैं. इसी सिस्टम में पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस होने के बाद इमल्शन बर्निंग गैसेस का रहेगा, जिसको हम एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू, एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू एटमॉस्फेयर में सेंड करेंगे एट पर्टिकुलर हाइट. इसी डायग्राम को हम और एक सिस्टम से देख सकते हैं, जैसे कि ये. इस डायग्राम में आपको इंटरनल कंबशन इंजन दिख रहा है. इस इंटरनल कंबशन इंजन को ही हम डीजल इंजन बोल सकते हैं. डीजल का फॉर्म डीजल गैस गैसोलीन इस फॉर्म में होगा, साथ में बायोडीजल का भी यूज कर सकते हैं. ये डायग्राम और इसके पहले की डायग्राम बोथ आर द सेम बट शोन इन डिफरेंट वे. तो हम अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ लेआउट्स ऑफ डीजल पावर प्लांट.
तो इसमें थ्री टाइप्स ऑफ लेआउट्स होते हैं जो पावर की आउटपुट कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, एज हाई कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट, देन मीडियम कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट एंड लास्ट इज ए लो कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट। इन तीनों टाइप्स में डीजल पावर प्लांट जितने कैपेसिटी का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा इन मेगावाट, उसके हिसाब से हमने इसे क्लासिफाई किया है। बाकी जो एट सिस्टम हमने डीजल पावर प्लांट लेआउट में देखे इन जनरल फॉर्म में, लाइक दैट डीजल इंजन, एग्जॉस्ट सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, जनरेटर सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, ऑयल इनटेक, लाइक दैट ऑल सिस्टम्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस ऑल द लेआउट्स इन डिफरेंट वेज। सो तो आइए देखते हैं हाई कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी अबाउ 50 मेगावाट होगा। तो इस डायग्राम के लेआउट को आप देखिए कि ये डीजल पावर प्लांट ही है और वो सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है जो कि हमने जनरल लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट में देखे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है ये डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ डीजल पावर प्लांट, उसके हिसाब से हम यहाँ पे इन नंबर ऑफ इंजिन का यूज करेंगे। जैसे ही हम इंजिन का यूज करेंगे नंबर ऑफ इंजिन यहाँ पे अटैच होंगे और वो एक लाइन में अटैच होंगे 1 by 1। तो इसके साथ हमें लगेगा एयर फिल्टर क्योंकि एयर रिक्वायर्ड है पावर जनरेशन के लिए, कंबशन के लिए। तो एयर प्रोड्यूस करने के लिए हम ब्लोअर्स का यूज करेंगे। तो हर एक इंजन के पहले उसका एयर फिल्टर और ब्लोअर्स रहेगा। दैट्स ऑल इज द डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंजिन। वैसे ही इसमें एयर डक्ट भी सिस्टम रहेगा जो यहाँ पे अलग से कनेक्टेड है। स्विचिंग हाउस एंड कंट्रोल रूम, इन इंजन के स्विचेस को चलाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए स्विच हाउस एंड कंट्रोल रूम होगा। देन एयर डक्ट फिर से यहाँ पे दिख रहा है और वैसे ही स्टोर्स भी यहाँ पे रहेगा। स्टोर्स मीन्स इसमें जो भी रिक्वायरमेंट लगेगा फॉर मेंटेनेंस और फॉर पावर जनरेशन, तो ये स्टोर्स में अवेलेबल होगा। तो इसको वॉच करने का काम भी ऑफिसेस में रहेगा कि ऑफिसेस में कितने पावर्स जनरेट हो रहा है, कितने टाइम से इंजन स्टार्ट हुआ, ये ऑफिसेस यहाँ पे अटैच रहेगा। एयर को प्रोड्यूस करना है या फिर एयर को कंप्रेस करना है तो एक सेंट्रलाइज कंप्रेसर रहेगा, उस सब इंजन को एयर प्रोड्यूस करेगा। वैसे ही वाटर एंड लुब्रिकेशन ऑयल टैंक रहेगी जिसमें दो अलग टैंक में वाटर और ऑयल स्टोर रहेगा और ये इंजन को कनेक्ट करेगा वन आफ्टर अनादर। वैसे ही फायर एंड सर्विस पंप रहेगा जो ऑयल ट्रीटमेंट प्लांट के साथ अटैच रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ फायर्स जनरेट करनी है या फिर ऐसा कुछ हुआ है तो ये फायर एंड सर्विस पंप वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो हमारे इंजन में मूविंग पार्ट्स होते हैं और इस मूविंग पार्ट में हीट जनरेट होती है। इसी हीट को रिलीज करने का काम कूलिंग टावर करता है और कूलिंग टावर कंक्रीट सर्विस वाटर टैंक से कनेक्ट रहेगा। तो ये है हमारा ओवरऑल हाई कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट। आपको इसका सिर्फ कंस्ट्रक्शन देखना है कि किस तरह से हम इंजन को 1 by 1 अरेंज करेंगे और उसके पेरिफेरी, उसके आजू बाजू में हम उसके कनेक्टेड सारे सिस्टम को अटैच करेंगे जैसे कि लेआउट्स ऑफ डीजल पावर प्लांट में था। नेक्स्ट इज ए मीडियम कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट और इस मीडियम कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट की कैपेसिटी 25 मेगावाट टू 50 मेगावाट रहेगा। इसमें इस तरह से इंजन का अरेंजमेंट होता है जैसे कि आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे साइड में 6, 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इस मीडियम कैपेसिटी प्लांट में 10 ही इंजन लगेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और मे बी इससे कम भी हो सकता है। पर यहाँ पे जो मीडियम कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट में दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ इंजन्स अटैच होते हैं,
इंजन से आपका एयर फिल्टर और ब्लोअर्स अटैच होगा। जैसे कि हमने हाई कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट में देखा कि एयर डक्ट इस सिस्टम के अपर साइड में था, तो यहाँ पे होगा कि ये इसके एक कॉर्नर साइड में रहेगा। और कंप्रेसर भी सेंट्रल यूनिट रहेगा जो कि इंजन 1, 2, 3, 4, 5 और सभी इंजन को एक साथ कंप्रेसर सप्लाई करने का काम करेगा। और इसके अकॉर्डिंग बाकी के जो सिस्टम्स रहेंगे लाइक ऑयल टैंक, फ्यूल टैंक, पंप हाउस, कूलिंग पॉन्ड्स, स्विचिंग ब्लोअर्स, वर्कशॉप्स, स्टोर्स, ऑफिसेस, ये इसके बीच में सेंट्रलाइज रहेंगे ताकि इजीली वन लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों इंजन को वो इजीली मेंटेन कर पाए और उसके रनिंग कंडीशन को रिकॉर्ड कर सके। दैट्स इज ए मीडियम कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट। एंड लास्ट इज ए लो कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट। जब पावर 25 मेगावाट से कम जनरेट करना है उस कंडीशन में हम लो कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट यूज करेंगे। एज दैट इसमें 1, 2, 3, 4 जो यूज हो रहे हैं नंबर्स, ये है हमारे नंबर ऑफ डीजल इंजिन्स। ये सेंट्रलाइज में रहेगा, इसके ऊपर साइड में वर्कशॉप और स्टोर्स कनेक्ट रहेगा जो इस इंजन का काम देखने का। जैसे ही कूलिंग वाटर सर्कुलेशन पंप इसके वन साइड में रहेगा, यही कूलिंग वाटर हम इंजन 1, इंजन 2, इंजन 3, इंजन 4 को सप्लाई करेंगे फॉर रिलीज द हीट ऑफ मूविंग पार्ट्स। ऑफिसेस एंड स्विचेस इन सभी इंजन के सेंट्रलाइज फॉर्म में कनेक्ट रहेंगे फ्रॉम दिस, जिसके वजह से एक ही सेंटर से हम सभी को वॉच कर सके। वैसे ही हॉट वेल्स एंड वाटर कूलिंग पॉन्ड्स और टावर्स, ये इसके दूसरे साइड में अटैच रहेंगे। इसके एक कॉर्नर एंड में हम फ्यूल टैंक्स को अटैच करेंगे। इन सब से सप्लाई इंजन तक जाएगा, इंजन से पावर जनरेट होगा, पावर जनरेट होके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस लो कैपेसिटी डीजल पावर प्लांट का यूज हम वर्कशॉप में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में करते हैं एज ए जनरेटर। यूनिट आउटकम अचीव बाय दिस लेक्चर एज आइडेंटिफाई द अरेंजमेंट्स इन डीजल पावर प्लांट, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट लेआउट्स ऑफ डीजल पावर प्लांट। समरी ऑफ टूडेज लेक्चर एज different layouts of diesel power plant, program outcomes achieved by this table given below as PO1, PO5, PO6 and PO7 is mapped by this lecture. Now the time is give some assignment, and assignment is a fifth. Write all the questions of this assignment and try to solve in your copy. Question 1 is write the types of layouts of diesel power plant. Explain high capacity diesel power plant with neat sketch. Explain low capacity diesel power plant with neat sketch. Explain medium capacity diesel power plant with neat sketch. For more understanding, watch this video again. Try to understand all the things and solve all the questions of this assignment. If some difficulty is there, pause the video, try to understand and repeatedly watch again and again. But if some problem may occur and you are unable to solve, then call to subject teacher. Thank you. Happy learning.